कि बेमतलब का शोर तो औरों के कान सुनते हैं, हम तो हर वक्त मौसिकी की तान सुनते हैं। और तहजीब सिखाते हैं दुनिया को बनारस वाले, गौर से भजन अदब से अजान सुनते हैं। गौर से भजन अदब से अजान सुनते हैं। बहुत कम समय है, बहुत बढ़िया। हमारे आदरणीय को सुनना है, आदरणीय को सुनना है। मैं बहुत कम समय लूंगा, लेकिन मेरे साथ बने रहिएगा। युवा धड़कनों के लिए चार पंक्तियां पढ़ता हूं, लेकिन गजल के साथ बने रहिएगा जहां वो ले जाती है। कि देख पाए वही जो दिखाया गया, देख पाए वही जो दिखाया गया, तुमसे सच ढेर सारा छुपाया गया, तुमसे सच ढेर सारा छुपाया गया। और प्रेम जब से हमारा घना हो गया, एक षड्यंत्र गहरा रचाया गया, एक षड्यंत्र गहरा रचाया गया। अच्छा लगे तो हाथ, अपने हाथों को रोके नहीं कि अपन कुछ दो शेर और पढ़ देता हूँ इसी का। कि अपनी मिट्टी से भी वैर होता है क्या, अपनी मिट्टी से भी वैर होता है क्या, ये है विष शत्रुओं का चढ़ाया गया, देख पाए वही जो दिखाया गया। और ये अमिट संस्कृति है मिटेगी नहीं, ये अमिट संस्कृति है मिटेगी नहीं, रक्त दे करके इसको बचाया गया, देख पाए वही जो दिखाया गया, तुमसे सच ढेर सारा छुपाया गया। एक कविता पढ़ता हूँ, उसका शीर्षक है बाबूजी। हिंदी का कवि हूँ, जैसा कि संचालक महोदय ने बताया। इन पंक्तियों के साथ बनिए, देखिए, और अगर जज्बातों, भावनाओं, संवेदनाओं में बहे आपके हाथ उठे तो दुआएं देने से हिचकिएगा नहीं। शीर्षक है बाबूजी, और इसमें मैंने उस व्यक्ति की भावनाओं को शब्दबद्ध किया है जो अपने पिता से दूर है, पिता उसके साथ नहीं है। कि यदा कदा मेरे कमरे में आ जाते हैं बाबूजी, और बात बात में बड़ी बात बतला जाते हैं बाबूजी। इन पंक्तियों में तो पिता पास आ जाते हैं, लेकिन पिता पास नहीं है, तब क्या होता है? कविता इस रूप में सामने आती है कि यदा कदा मेरे कमरे में आ जाते थे बाबूजी, बात बात में बड़ी बात बतला जाते थे बाबूजी, बात बात में बड़ी बात बतला जाते थे बाबूजी। बड़े सख्त थे, कहां कभी वे दिखलाते थे कोमलता, यदि क्रोध करते तो उनके नैनों में सूरज जलता, पलता था पर प्रेम भी उनके मन के ओझल कोने में, जो आता था काम एकांत में उनकी पलक भिंगोने में, और कभी प्रेम उमड़ा तो उसे छुपा जाते थे बाबूजी, बात बात में बड़ी बात बतला जाते थे बाबूजी, बात बात में बड़ी बात बतला जाता। सुनिए मध्यम वर्गीय परिवार की समस्याओं के प्रति बाबूजी का क्या रोल होता है, क्या भूमिका होती है। कि कानून को पटवारी, अमीन जमीन की पैमाइश, राशन कार्ड पाने को कैसे पूरी की थी फरमाइश, अंचल तहसील राजस्व अदालत का कैसा निष्फल चक्कर, और रोज रात को वही कथा कहते थे जब आते थे घर, और जर जमीन की जटिल बिसात बिछा जाते थे बाबूजी, बात बात में बड़ी बात बतला जाते थे बाबूजी।
और क्षणिक आवेश से वशीभूत हो भैया ने जब घर छोड़ा, बिखरे रिश्तों के तारों को बाबूजी ने फिर जोड़ा। भोजन वस्त्र और घर की उलझन में उलझे ही रहते थे, लेकिन अपनी व्यथा कथा वे कहां किसी से कहते थे। अपने दिल में सारे दर्द दबा जाते थे बाबूजी, बात बात में बड़ी बात बतला जाते थे बाबूजी। और अंतिम बंद में सुनिए कि बाबूजी का के प्रति एक एक पुत्र या उसकी संतति क्या सोचती है कि आजीवन उनका ही एक प्रतिरूप बना जीऊंगा मैं, आजीवन उनका ही एक प्रतिरूप बना जीऊंगा मैं, वही सूर्य होंगे मेरे और धूप बना जीऊंगा मैं। निखरा हूं मैं संघर्षों की ज्वाला में जो अब तप कर, बाबूजी का व्यक्तित्व ही उभरा है मेरे अंदर, बाबूजी का व्यक्तित्व ही उभरा है मेरे अंदर। समय समय पर सही राह दिखला जाते थे बाबूजी, बात बात में बड़ी बात बतला जाते थे बाबूजी। अब तो यदा कदा सपनों में आ जाते हैं बाबूजी और बड़े प्यार से मेरा सिर सहला जाते हैं बाबूजी। बहुत